हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 जुलाई 2023 यानी आज जो आपका विज्ञान का पेपर हो चुका है अभी, उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले एमसीक्यू के आंसर्स को जान लेते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चन था और उसका सही आंसर क्या था। पहले ही बता दूँ, आज का पेपर बहुत ही आसान रहा था। आई होप आप सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 जुलाई 2023 यानी आज जो आपका साइंस का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए नौसादर, नमक, आयोडीन या फिर कपूर। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है वो कौन सा नहीं है, नमक नहीं है, बाकी तीनों है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है, कौन सा पौधा कीट भक्षी है जो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो निपेंथिस, ऑप्शन बी है सेंड्यू या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर उपयुक्त सभी, जल्दी से बताइए। सो गाइज, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में अगर आप तीनों ऑप्शन देखें, वीनस फ्लाई ट्रैप, सेंड्यू, निपेंथिस, ये तीनों ही कीट भक्षी पौधे हैं, तो यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग करते हैं या नमक कैसे बनाया जाता है, उसमें भी यही विधि इस्तेमाल होती है। तो इस विधि का नाम क्या हो जाएगा, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या फिर टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से या कार्बन डाइऑक्साइड से या शर्करा से या फिर पर्णहरित से। दोस्तों, सही जवाब क्या होगा, एकदम आसान है, ऑप्शन नंबर ए जल से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में जो इसका नाम है इसी से क्लियर है कि वर्षा के जल का संग्रहण करना, उसको बचाना, ठीक है। जैसे बारिश होती है तो गांव में क्या करते हैं कि घरों की छतों पर जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक रख देते हैं या फिर उसमें से पाइप लगाकर ज़मीन में गड्ढा खोदकर वहाँ पर पानी की सप्लाई कर देते हैं ताकि वहाँ पानी स्टोर हो और उसको फिर विभिन्न विभिन्न पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इसे ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का तृतीयक नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो तृतीय नियम क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप लोग सभी जानते हैं तीन नियम है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे आप बंदूक से गोली का निकलना, उसमें झटका लगता है तो क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन तो निश्चित होता है परंतु जो उसका आगे क्वेश्चन कटा हुआ है दोस्तों, चलो फिर भी आपने कर लिया होगा, दोलन गति किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मृतोपजीवी क्या है, ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, जो मरे या सड़े गले हुए पदार्थों से अपने भोजन को बनाते हैं उसे ही मृतोपजीवी कहते हैं। तो इसी तरीके से सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत आसान पूछे गए थे। आई होप सबने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट किया होगा। तो आज की शिफ्ट में, आज के दिन जो अगला पेपर आपके दो और होने वाले हैं उनका भी रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।